पता है गाइस, जब मैं ऐसे किसी कपल को देखता हूँ या मैं कोई ऐसे रिलेशनशिप वाले लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसे अंदर से आता है कि यार आई ऑल्सो नीड अ गर्लफ्रेंड। क्या हिंदी इंग्लिश नेपाली नहीं आती? हाँ, ये वाली ट्रिप कैसे बनी हमारी सर, ये तो बताओ आप। ये वाली ट्रिप, अरे गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल हम सो के उठ गए, टाइम हो रहा है 7:30 और दिखाता हूँ मैं बाहर की हालत। ये देखो बाहर के नज़ारे, फुल बर्फ से ढका हुआ सारा, पेड़ वेड़ सब कुछ। ये खड़ी हमारी गाड़ियाँ और जाके इनको स्टार्ट करना है, देखते हैं स्टार्ट होती नहीं होती हैं, स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर चलेंगे आगे। सर लोग वेट कर रहे होंगे यार, नेटवर्क ही नहीं है, पूरी रात नेटवर्क नहीं आया, पर पता ही नहीं पाया मैं क्यों लोग यहाँ रुके हुए। हो गई तो टाइम हो रहा है सुबह के 8 और हम निकल गए हैं, हम निकल रहे हैं आगे के लिए। तो ट्रक चलेगा हमारे आगे और हम चलेंगे पीछे, भाई ऑन द सीट। कल क्या लेके आए यार, यहाँ तक मुझे भाई साहब 4x2, हमारा 4x4 काम ही नहीं कर रहा था, हम खाली रेयर व्हील पे चल रहे हैं। क्या बढ़िया चल रहे हैं, इसका भी ना अच्छा खासा तेल था, हाफ से ऊपर आ गया था इसका भी मीटर, पर वही था कि वहाँ पे इतना लगा खच 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 खच, फिर वो हाफ के नीचे चला गया। बीच में हॉर्न बंद हो गया इसका, पता नहीं हॉर्न भी चल रहे नहीं चल रहे, बर्फ से जाम हो गया। हाँ, हॉर्न बंद हो गया। अब मैं बोला ये अलग परेशानी है, मोड़ पे गाड़ी आ रही होगी, मैं हॉर्न नहीं मार पा रहा। मेरी गाड़ी देखो मोड़ पे, नहीं गाड़ी चली गई, नहीं नहीं वो दूसरी गाड़ी को सामने से आ रही है, आएगी तो हॉर्न मारेगी। मतलब पता है कहीं भी घूमने जाओ ना तो घड़ी मतलब 5-5.5 किलोमीटर तेल लगाना पड़ता है। मैं छोटा गाड़ी चला रहा था तो उसका 80 का टैंक, 80 का टैंकी था। जो आपने स्कॉर्पियो दिखाई उसका भी बड़ा है मेरे ख्याल से, 80 लीटर आटा। हाँ, हाईलेक्स का भी बड़ा है, 70-80 लीटर हाईलेक्स भी है, इसका बहुत कम है, इसमें बहुत कम भी है, बहुत ही कम है, 45 लीटर तो कुछ भी नहीं होता है। 45 लीटर तो इस जगह का नाम था, नाम क्या था? गोडी झूला ना, ठीक है, ओके बाय। तो फिलहाल हम आ चुके हैं गोडी झूला और अब यहाँ से हमारी ड्राइव शुरू होती है। सुजी मेरे हाथों में आ गई है और चलेंगे अब साथ साथ, लेट्स सी क्या रहता है। सबसे मस्त चीज़ क्या थी, मेरे को जरूरत पड़ी थी चेन की और उसकी बेलचा की, वो सर के पास था, और सर को जरूरत थी फ्यूल की, वो मेरे पास था। सर अब आगे चलना, ठीक है। पर अब देख के अपना ऐसे डर लग जा रहा है भयंकर, बाय 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 बाय। हाँ जी गाइस, अब हम बात कर सकते हैं क्योंकि यार मेरे साथ जब कोई होता है ना तो मेरे से वैसे भी बात नहीं की जाती है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है।
तो भाई कल की रात हमारी ना इतनी अल्टीमेट रात रही, मैं क्या बताऊं। कल शाम को जब बर्फ मिलना शुरू हुआ हमको बहुत बढ़िया, और हमको इंक्लाइन चढ़ना था, तो मेरी गाड़ी ना बिल्कुल नहीं चढ़ रही थी ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा स्किड मार रही थी और चढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था पावर खत्म होगी गाड़ी की। अब मुझे चीज़ समझ में नहीं आई ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि 4x4 में तो यार जितनी बर्फ़ थी कल उतना तो आराम से चल जाती है, सर की गाड़ी निकल गई थी आराम से। एंड बहुत ही दिमाग धही हुआ, समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, और चढ़ी नहीं थी गाड़ी बिल्कुल। तो फिर एक पॉइंट ऐसा है, मैं डिसाइड किया कि भैया अब ऐसा है, अब मैं फालतू का जोर नहीं लगा रहा, मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहा हूँ साइड में, क्योंकि मैं बीच में स्टक हो रहा था। और फिर वो ये कि कोई सामने से गाड़ी आ रही है यार, कुछ भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस आ सकती है, ट्रक आते हैं, अब वो ब्रेक मारेंगे, वो भी स्किड होंगे, मैं भी फंसूंगा। तो मैंने क्या किया, गाड़ी साइड में लगा के अपनी गाड़ी दबा दी, और मैं चुपचाप से पूरे मूड में आ गया था कि आज गाड़ी में काटूंगा। सर को ही मैसेज मार दिया था कि सर आप अपना आराम से चलो, मैं अपना कहीं गाड़ी के अंदर निकालूंगा। वैसे बाय द वे हम लोग नागमा वापस पहुँच गए, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको नागमा शहर। अभी हम लोग हो सकता है यहाँ पर खाना खाने रुके, क्योंकि खाया सुबह से किसी ने भी नहीं है, ना मैंने ना सर लोगों ने। फिलहाल अपन पहुँच गए नागमा और चाय पी ली है, और फिलहाल हवा टॉप कर लेते हैं जो अपन ने कल कम करी थी रात को। बस थोड़ा सा अब तो बढ़िया गाड़ी खींचनी है फटाफट, सब टायरों में हवा कम है, जरा डाल लेते हैं फटाफट। अभी हमारा जो प्लान डिसाइड हुआ है ना, वो ये डिसाइड हुआ है कि कालीकोट क्रॉस करने के बाद हम लोग कहीं पर कैंप करेंगे आज। बट पंगा वही है कि वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बॉर्डर का फिर कितना रहेगी है एंड टाइम कितना लगेगा, क्योंकि कल शाम को हमारा बंसार भी एक्सपायर हो रहा है ना, तो उस हिसाब से भी हम लोग को प्लान आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो देखते हैं, ऑन द गो डिसाइड करेंगे। अभी तो 12 ही बज रहा है, तो आज तो हमारे पास काफ़ी टाइम है फिलहाल ड्राइव करके डिस्टेंस कवर करने का। एंड जब सर के साथ बैठूंगा ना, तब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा इस चीज़ को, कि हमारा ये रारा का प्लान बना कैसे और कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया हूँ कि हम रारा करके आएंगे। सामने आमने सामना हो गया बस का और ट्रक का, अब कौन बैक करेगा कौन आगे जाएगा पता नहीं। तो मैंने दबा रखी बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ अंदर की तरफ। अभी फिर बस वापस आ रही है, अब मेरे ख्याल से बस ही पूरा बैक जाएगी, पहले सारे ट्रक निकलेंगे फिर बस निकलेगी। भाई जहाँ हम गाड़ी भगाने के भी लगे हुए हैं, और जहाँ हम लाइक नॉन स्टॉप लंच स्किप करते हुए सिर्फ भाग रहे हैं कि फटाफट डिस्टेंस कवर कर सकें, वहाँ हमको हर जगह रोड ब्लॉक मिल जा रहा है। बहुत पंगे गाइस, देखो यहाँ पर इन्हें बजरी फेंकी हुई है आधी रोड पे, और सामने बस फंस गई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पर भी। ये हालत है पीछे, देखो देख रहे हो हालत, ये हालत है पीछे, बहुत ही गलत सीन है यार। यहाँ पर डीजल ऐसे ड्रम्स में आता है एंड आपको ऐसे डीजल मिलेगा यहाँ पर, तो ये 10 लीटर का है, तो अभी 20 लीटर डलवा ले रहे हैं। पता है गाइस, जब मैं ऐसे किसी कपल को देखता हूँ या मैं कोई ऐसे रिलेशनशिप वाले लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसे अंदर से आता है कि यार आई ऑल्सो नीड अ गर्लफ्रेंड और मे बी अ पार्टनर, अ ट्रैवल पार्टनर। रीज़न, जब अगर आपको ये खाने हो ना किन्नू या संतरे, तो गाड़ी चलाते चलाते इसको छिलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। अब मैं ना इसको छिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसे छिलना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। बिस्किट केले तो वैसे ही खा लेता हूँ, कोई पंगा नहीं ड्राई फ्रूट्स हो गए, बट इसको खाने में ना बहुत पंगा होता है। और आपको गाड़ी चलाते चलाते ना खाने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब लाइक अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, ये खाने का बहुत सही फील होता है। बट स्पेशली आप पहाड़ पर ड्राइव कर रहे हो और आपको ये छिलके छिलना पड़े तो लंका लग जाती है। देखो सर मेरे बिल्कुल पीछे आ गए, तो अभी ये कि मैं धीरे भी नहीं कर सकता, गाड़ी बहुत मुश्किल काम है, इसलिए आई समटाइम फील्स लाइक मेरे पास भी ट्रैवल पार्टनर होना चाहिए। प्रेफर्ड इज़ अ फीमेल नॉट अ मेल, मेल मेरे पास बहुत है, अब नहीं ट्रैवल करना चाहूँ उनके साथ मुझे। देखो ये पूरा छिलिया संतरा, और ये आओ खा गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब मुझे अगला छिलना होगा ना, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं अगला छिलूँ अभी खाऊँ या रुक के खाऊँ, तो मैं इसको बाद में खाऊँगा। क्या हिंदी 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 इंग्लिश नेपाली नहीं आती? थैंक यू। I have fruits. Take it.
That's it. Thank you. अरे बम बम गिर जाएगा इट्स ओके थैंक यू यू वांट फ्रूट्स आई हैव फ्रूट्स एंड बिस्किट्स अच्छा यू वांट फ्रूट्स यस सो चेक उसके पीछे ऑरेंज इंडिया उत्तराखंड सुना है हैड अबाउट उत्तराखंड विच प्लेस नो आइडिया आई एम फ्रॉम इंडिया व्हेयर आर यू गोइंग टू विजिट आई वेंट टू रारा लेक नाउ फ्रॉम रारा गोइंग बैक टू इंडिया You like panda? Yes. This panda is also from Uttarakhand, India. This panda is traveling with me. I took this panda to Rara Lake. I take it. You want it? No. Yeah. Ask panda. If panda say yes, then I'll give you. Ask him. Panda say yes. If panda say yes, I'll give you. Ask panda. This is not man. Nana, this is man. This is not living thing. This is living thing. This is not living thing. Are you see? His eyes are open. He is watching you. Talk to him. You want panda? Ask him. Ask him. If panda will say yes, I'll give this panda to you. He is not living things. He is living thing. He was talking to me. He was talking to me. He was tired. Therefore, I ask him to sleep behind. See, panda is watching you. Yes, panda, I was. He said, yes. If panda say yes, yes, I give it to you. Yes. Really? Yes, but when he'll say yes, then hold only. Hold on. I look good at you. I don't look. That's it. Thank you. Say bye. See. Bye. See Panda Singh. Bye. 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 Yo. What is? Okay. Goodbye. Bye. Bye. You want Panda? You want it? You also like Panda? Yes. You want it? Yes, I want what? Take it. No, I'll leave it. Pakka? Sure? Mona Dinna. Chalo, bye. Yellow. Dai Mona Dinna village. Mona Dinna village. Palace decide. Who want it? My owner. Chalo, bye. Truck aa raha hai. Okay, bye. Mujhe bura laga tha dete hue. Actually, mujhe bura laga tha, pata hai. But theek hai, koi baat nahi. Unko acha lagega. मुझे सही बुरा लग रहा था पांडा भी देते हुए पता नहीं क्यों कहा मैं बात कर रहा था कि आई नीड अ फीमेल ट्रैवल पार्टनर मेरे पास जो ट्रैवल पार्टनर था वो भी चला गया मैंने मूवी लगा रखी है साम बहादुर पेंडिंग थी मूवी देखना तो ये भी देखते देखते आराम आराम से चलते चलते मूवी भी खत्म कर लेंगे और पहुँच भी जाएंगे बट भाई साहब तो थोड़ा गया यार तो अभी पीछे एक चेक पोस्ट पड़ा था एंड वहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं क्रॉस करने के वो हैं 8 और अभी टाइम हो रहा है 8:18 तो हम लोग वहाँ पर एग्जैक्ट 8 बजे पहुँचे थे और फिर उनसे हमने बात करी कि आगे जाने के लिए पहले वो मना कर रहे थे बट बाद में उनको हमने बताया कि हमारा बंसार कल एक्सपायर हो रहा है ऑल्सो हम लोग तो टाइम से आ जाते बट वो पीछे रोड क्लियरेंस के चक्कर में हम लोग फंस गए थे थोड़ी उनसे रिक्वेस्ट करी तो फिर उन्होंने हमको अलाउ कर दिया जाना बेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस बेस्ट टाइम टू कवर द कोई एक सिंगल गाड़ी नहीं है तो वाला चक्कर ही नहीं है कि सामने से गाड़ी आ रही है और ये देखो मेरा हॉर्न नहीं बज रहा ठीक है तो वो टेंशन भी नहीं है कि सामने से गाड़ी आ रही है आपको टर्न्स पे धीरे चलना है तो आराम से अपनी स्पीड किसे अपने हिसाब से गाड़ी खींच सकते हो तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लोगों ने पता नहीं कुछ खाया नहीं खाया अभी तक वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को तो आदत है ऐसे लाइक चलने की बट
जो मेरे साथ होता है ना, मैं उसकी लंका लगवा देता हूँ यार, सही में कसम से। इस ट्रिप में मैंने 3 मूवीज खत्म करी, एक हाई पापा, एक वैक्सीन वॉर विवेक अग्निहोत्री की, और एक सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर सॉरी भाई। दोनों मूवीज अल्टीमेट, सुपर अल्टीमेट मूवीज, हाई पापा और सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर और विवेक अग्निहोत्री की वैक्सीन वॉर उतनी ही टट्टी मूवी भाई, फ्री में भी मत देखना वो मूवी, बहुत ही वाहियात मूवी है। वायरस को उसने, वायरस का साउंड इफेक्ट जो डाल रखा है, मतलब क्या ही मूवी बनाई है, इतनी वाहियात मूवी है ना वो, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि अपने दिमाग में जो चल रहा है उसको उठा के चिपका दिया मूवी में, जो उसको बोलना है उसने उठा के मूवी में चिपका दिया, ठीक है। और बाकी दो मूवीज़ हैं कि जब उनको तुम देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि यार तुम कोई मूवी देख रहे हो, जो कि मतलब अल्टीमेट मूवीज़ है, दोनों अल्टीमेट मूवीज़ हैं, हाई पापा नेटफ्लिक्स में, जी फाइव में सैम बहादुर, दोनों मूवीज़ देख सकते हो। प्लीज़ डोंट वॉच वैक्सीन वॉर, बहुत ही वाहियात मूवी, नहायत ही वाहियात मूवी। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 22:57, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं एंड हम लोग पहुँच चुके हैं बड्डी चौड़, ये वो जगह है जहाँ पर हमने जाते वक्त चाय पी थी। अभी हमें बना रहे हैं खाना, देखो ये हमारा चल रहा है खाना, खाना इन मेकिंग, ये खड़ी मेरी सूजी, ये खड़ी सर की वी क्रॉश, और यहाँ बन रहा है हमारा खाना। सो लेट्स ईट, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है। सर लोग शायद से कोहलपुर निकलेंगे एंड मैं इस तरफ से निकलूँगा टूवर्ड्स, मैं नाम ही भूल जाता हूँ यहाँ जगह के, नहीं नहीं कौन सा ब्रिज है ये, करनाली, मुझे करेरी जाना था हमेशा करनाली ब्रिज। सो ये रोड जाती है आगे कोहलपुर बृंदनगर, और यहाँ से रोड इधर को जाएगी करनाली ब्रिज, करनाली ब्रिज यहाँ से लगेगा मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और कोहलपुर लगेगा लगभग 2-2.5 घंटा और, साल नहीं कोहलपुर तो ज़्यादा लगेगा 3-4 घंटा ना। हाँ तो सर लोग का डेस्टिनेशन कोहलपुर रहेगा आज, मेरा करनाली। हाँ ये वाली ट्रिप कैसे बनी हमारी सर, ये तो बताओ आप। ये वाली ट्रिप, अरे बढ़िया, फोन किया पूछने के लिए तेरे को कि कैसे नेपाल के हद का कौन से बॉर्डर से क्या से घुसना है, और तूने पूछा राणा जाना है, मैंने बोला सच में, पर तूने बोला हाँ, मैंने बोला चलो, और तूने बोला चलो फिर कल से, कल निकलता आप निकलो वहाँ से, मैं हल्द्वानी आ जाऊँ, मैं वहाँ से फिर हम परसों निकलते हैं, बस ट्रिप बन गया ऐसे। मतलब 24 आवर्स नोटिस फॉर यू एंड 12 आवर्स नोटिस फॉर मी, सो दैट इज हाउ द ट्रिप वाज एग्जैक्टली। एंड पैक किया हमने सीधा चंडीगढ़ से, फॉग में धुंध में हल्द्वानी पहुंच गए सुबह सुबह 4 बजे, नहीं शाम को सुबह निकले, आप शाम तक पहुंच गए थे एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर लोग रात तक पहुंचेंगे, हां, और सर का शाम को फोन आ रहा है कि मेरे शहर पहुंच गए, मैंने क्या इतनी जल्दी। One was that, you know, there were days on which we planned things, right, and they went as per plan, right? There were days when we planned things and the plan went completely haywire. True. Right? We faced issues. Right. But right. The beauty of the entire thing was that, you know, and this is what I was telling her, that this is life because you have a rough destination in mind, right? Right. Keep that as a you know, as a placeholder. कि भाई मेरे को लाइफ में इधर जाने का या ऐसे जाना है, एंड फिर फाइंड योर वे टू गेट देयर, राइट? ट्रू ट्रू, डोंट गिव अप, कंटिन्यू, ट्रू, लाइफ का एक जैसे गाड़ी का बस चलते जाना है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रुकेंगे अड़चने आएंगी उसमें, ट्रू, कई बार यू नो लाइक टू मेक प्लेस और टू मेक वे और टू मूव फर्दर यू हैव टू कम रिवर्स आल्सो, तो जिंदगी में भी आपको कभी कभी थोड़े यू हैव टू टेक एग्जैक्टली बैक, एट टाइम्स यू गॉट टू जस्ट स्टैंड लाइक वी वर यू नो at roadblocks, we were just standing, doing nothing, just waiting, true, having patience, true, and just, you know, once, you know, the roadblocks opened up, continue with it. So that is what life is. Right. That bus, right. Uphills, downhills, you don't know what the next mode is, you don't know where you're going, but yes, you know, you have a rough idea ki humne Rara Lake jana hai. Exactly. Kaise jana hai? Matlab, Google map nahi bata sakta ki Rara kaise jana hai. The dinner is ready. This looks so yummy. देखो रात के 11:30 बजे सब दुनिया सो रही है और हम लोग यहाँ पे बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं और हमने अपनी टेबल चेयर्स लगा दी यहाँ पर, देखो दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करो, ये देखो बढ़िया हमारी चेयर लग गई है, हमारी कॉफ़ी वॉफ़ी भी चल रही है, ग्रीन टी चल रही है हमारी, और हमारा खाना भी रेडी हो गया है। ये सर का पूरा सेटअप है,
ये सर का रायता फैला हुआ है, ये मेरा रायता फैला हुआ है। बस खाना खाते हैं बैठ के आराम से। पर क्या मौसम हो रखा था, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत हल्की सी हवा चल रही है, बहुत पर ठंडी ठंडी अच्छी हो रखी है और फील आ रहा है। तो फिलहाल मेरी सूजी तैयार हो गई है, सर की गाड़ी भी तैयार हो गई है, सामान हमारा सारा पैक हो गया है और हम निकल रहे हैं अपने अपने रास्ते। ओके सर, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा जल्दी। थैंक्स फॉर द कॉल, ना थैंक्स फॉर द कॉल, यस मिलते हैं जल्दी दोबारा, इधर इन चंडीगढ़ और इन मनाली। हाँ लेट्स सी, यस ट्रू, कौन से शहर में वो पता नहीं, जब तक इशू है तब तक। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर।